सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे टू ऑफ नवरात्रि और मैं अभी ऑफिस से अपने रूम पहुंची हूँ। तो आज बेसिकली जो दिन था काफ़ी हेक्टिक था एंड अभी हम रूम पहुंचे हैं और अभी मैं सोच ही रही हूँ कि मुझे क्या क्या करना है, तो जो करूँगी आपसे शेयर करूँगी। तो अभी मैं थोड़ा बाहर घूम रही थी और बाहर के थोड़े से मज़े ले रही थी बिकॉज आज दिन भर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी मौसम अच्छा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर थोड़ी देर ऐसे घूम लूँ और आपसे बातें भी कर लूँ। अभी हम शुरू करेंगे अपनी शाम की रूटीन से। अभी मैं ऑफिस वाले कपड़ों में ही हूँ, चेंज करेंगे एंड देन उसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे, डिनर खाएंगे, पूजा करेंगे, बस वही कल वाली रूटीन होने वाली है। बट क्या हम एक्स्ट्रा करेंगे वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, पर फिलहाल जो है फ्रेशन अप हो जाते हैं और अपना मूड अच्छा करें। तो बस इसके बाद सबसे पहले मैं अपने किचन में गई क्योंकि पूरा दिन गर्मी में पानी पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और व्रत वाले दिन ये रहता है कि कहीं मतलब पानी जूठा ना हो जाए या फिर गंदे हाथ ना लग जाए पानी पीती बार, तो बॉटल को टच करने में भी बहुत ऐसे लगता है एंड जब आप मेडिकल प्रोफेशन में होते हो तो इन्फेक्शन से भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैं आजकल थोड़ा पानी पीना अवॉइड कर रही थी फास्ट के टाइम पर, तो मैं जब हाथ धोऊंगी फ्री होंगी तब मैं पानी पीऊंगी, लेकिन अभी घर आके सबसे पहले एक ग्लास पानी का पी के फाइनली मुंह धो चुके हैं हम और ये देखो पिंपल निकल रहे हैं मुंह पे। कुछ तो सोल्यूशन होगा ना इन पिंपल्स को ठीक करने का, पता नहीं, मुझे तो पिछले कितने सालों से नहीं मिला, मुझे नहीं लगता मुझे कभी मिलेगा भी। दिस इज द रियल स्ट्रगल गाइस। ओके, तो हम अपने झुमकों को अपने डिब्बों में डालते हुए और खुद को अनपैक अनरेडी, क्या कहते हैं एक होता है गेट रेडी और गेट अनड्रेस्ड, लाइक कुछ ज़्यादा वल्गर लग रहा है, कुछ भी नहीं मतलब इनमें से। तो इन बालों को बांधते हुए क्योंकि इन बालों से रहती है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, पर इनका बनना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो फाइनली अब बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ चुकी हूँ और अभी बस सबसे पहले यही सोच रही हूँ कि मैं पूजा कर लेती हूँ ताकि फिर डिनर की तैयारी एंड ऑल एंड टाइमली खाना खा सके, क्योंकि फिर सुबह उठना होता है जल्दी एंड ऑल। बहुत ही आजकल जो मेरी रूटीन चली है, अगर मैं सोच रही थी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं कि जब आप लाइफ में एक इंडिपेंडेंट स्टेज में पहुंच जाते हो तब आपकी रूटीन कैसे हो जाती है, वो भी जब आप घर से दूर हो। एक होता है घर के पास जॉब करना और एक होता है घर से दूर जॉब करना, तब आपकी क्या रूटीन हो जाती है। मैं सोच रही थी कि उसके रिगार्डिंग व्लॉग बनाऊं। अगर आप इस बात से एग्री करते हो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं ये इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल भी होने वाला है। तो अभी मैं बस सोच ही रही हूँ, अगर आप एग्री करोगे तो देन आई विल डू मेक दैट व्लॉग टू। सो फिलहाल अभी चश्मा लगा के अपना, क्योंकि नजरें कमजोर है तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा, चश्मा लगा के अपना अभी हम पूजा की तैयारी करके आरती करेंगे, पूजा आरती करेंगे। एंड जब मैंने पिछले कल पूजा करी थी मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत ज्यादा एक मेथड दिखाया था उसमें पूजा करने का, हर एक उसका क्या कहते हैं कि विधि जो है हर एक दिन की अलग अलग विधि है, लेकिन घर के बाहर ये कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बाहर है कि जितना कर पाएंगे उतना करेंगे एंड अभी फिलहाल मैं पूजा करके आऊंगी, उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगी क्योंकि मुझे आरती जो है वो इसी फोन में लगानी है, तो ये मुझे अभी बंद करना पड़ेगा। तो अभी जाके हम पहले पूजा कर लेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा सैलड खा लेते हैं और फिर डिनर की तैयारी करते हैं ताकि फिर प्रॉपर मील्स लें और हेल्दी भी रहना है। वैसे आजकल जो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मैं शायद व्लॉगिंग करना भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं भूल भी चुकी हूँ, तो जब करूंगी तभी ही मुझे बार बार करने में ये चीजें आएंगी। और पता नहीं बहुत टाइम से बहुत ही ज्यादा गैप हो गया था एंड चलो अब धीरे धीरे इसको कवर अप करेंगे, लेकिन फाइनली आई एम बैक। ऑल आई वांट इज कि आप लोग प्लीज सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही कंसिस्टेंट रहने का यूट्यूब पे, क्योंकि एक सपोर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है कहीं ना कहीं। फाइनली मुझे लग रहा है कि मेरी थोड़ी सी लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव हो रही है, क्योंकि पीछे जैसे मैं बहुत ज्यादा आलसी एंड मतलब बहुत कुछ इम्बैलेंस हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कंसिस्टेंट होना चाहती हूँ और फाइनली एक ट्रैक पकड़ना चाहती हूँ, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट एंड प्लीज सपोर्ट करना और मेरे व्लॉग्स को देखना, आइडिया शेयर करना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या अनविता को भी मैं जरूर वीडियो में लेके आऊंगी, लेकिन मैं दूर रह रही हूँ तो जब मैं घर जाऊंगी तो उसके साथ भी वीडियोज बनाऊंगी और डेफिनेटली पोस्ट तो करना ही है। सो फिलहाल अभी पूजा कर लेते हैं।
तो पूजा खत्म करने के बाद मैं गई किचन में, और किचन में हो रही थी डिनर की तैयारी। तो आज मैं कद्दू की सब्जी बनाने वाली थी, और ये कद्दू जो है वो घर पे लगा था, तो ये मैं बनाने के लिए भी एक्साइटेड थी, और ऑब्वियसली खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला था। लहसुन और प्याज का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाले थे। तो जब तक सब्जी बननी थी मैंने सोचा क्यों ना अभी सैलड खा लूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हल्की हल्की भूख तो लग ही रही थी, और जब तक सब्जी बनती चपाती बनती तो थोड़ा टाइम भी हो जाता, और पूजा करने के बाद सैलड तो खा ही सकते थे। तो यहाँ पे बस मैं अपनी सब्जी और क्यूकम्बर्स को उठा के रूम पे गई, और रूम के अंदर क्योंकि बाहर गर्मी लग रही थी तो मैं सोचा क्यों ना अंदर एसी में बैठ के मैं सब्जी कट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में गर्मी में आना ही है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को भी काट लिया था, और मैंने क्यूकम्बर्स को काटा, थोड़ा खा भी लिया, और उसके बाद लगाया हमने कद्दू को तड़का, और चपाती भी बन गई, और यहाँ पे हमारी डिनर की प्लेट भी रेडी है। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तो मैंने व्लॉग को ऐसे ही एंड किया। लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नींद आ रही है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।